देश भर में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अनोखे तरीके से इसका विरोध देखने को मिला। एक शादी समारोह में वर वधु ने एक दूसरे के गले में प्याज और लहसुन की माला डाली। इस शादी में पहुंचे बहुत से मेहमानों ने गिफ्ट के तौर पर दोनों को प्याज और लहसुन भेंट किए। देश भर में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए विरोध करने का यह तरीका बिल्कुल ही अलग था। गिफ्ट देखकर शादी में पहुंचे अन्य मेहमान चकित रह गए। मेहमानों ने भारी मात्रा में वरवधु को प्याज गिफ्ट किया। गिफ्ट देने वालों का कहना है कि प्याज इस समय सबसे ज्यादा कीमती है और ऐसा करके उन्होंने बढ़ती कीमतों का विरोध किया है। इसके अलावा वाराणसी में एक रेस्टोरेंट मालिक ने अपने यहाँ एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है कि प्याज मांगकर शर्मिंदा ना करें, प्याज की जगह मूली से काम चलाएं। प्याज की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए सरकार अतिरिक्त प्याज आयात करने का फैसला किया है। इसके लिए 12,660 मीट्रिक टन प्याज आयात करने के लिए करार हो चुका है। प्याज के इस खेप में आयात के लिए सरकारी कंपनी MMTC ने इस करार किया है, जहां 12,660 मीट्रिक टन की ये नई खेप के 27 दिसंबर तक देश में आ जाएगी। इस नई खेप को मिलाकर अब तक 30,000 मीट्रिक टन प्याज के आयात को लेकर करार हो चुका है। इतना ही नहीं, सरकार ने 15,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त प्याज के आयात के लिए टेंडर भी जारी किया है। इन प्याजों को 5,000 मीट्रिक टन के 3 किश्तों में मंगाया जाएगा। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।